नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। बाला साहिब ठाकरे के करीबियों चंपा सिंह थापा और मेरेश्वर राजे के एकनाथ शिंदे गुट में चले जाने पर मातोश्री की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उद्धव गुट ने टिप्पणियां की है कि मातोश्री के कई और भी कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारियों और कुत्तों को घुमाने वालों के किसी पार्टी के साथ शामिल होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता राजन विचारे ने शिंदे गुट में बाला साहिब के सहायकों के शिंदे गुट में शामिल होने की निंदा की है। उन्होंने ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर में सर्वदलीय नवरात्रि समारोह लोगों की राजनीतिक घोषणाओं से प्रभावित है। देवी के जुलूस के बाद के बीच से कुछ अपने गुट को बड़ा करने के आमदा है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को तेंबी नाका नवरात्रि जुलूस का नेतृत्व करते हुए कलावा से टेंबी नाका तक पैदल ही यात्रा को पूरा किया। टेंबी नाका में शिंदे ने थापा और राजे सहित पार्टी के साथ कुछ नए लोगों को शामिल करने की भी घोषणा की, जो दिवंगत बाला साहिब ठाकरे के करीबी माने जाते थे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हासिल करेंगे शिंदे। देखिए, ठाकरे गुट के प्रवक्ता चिंतामणि कारखानिस ने कहा कि तेंबे नाके में नवरात्रि समारोह में सभी दलों की भागीदारी देखी गई थी। पहले कभी भी समारोह का राजनीतिकरण नहीं किया गया। इससे उलट सोमवार को सीएम ने देवी मां के इस समारोह को अपने राजनीतिक एजेंडे के मंच के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने थापा और राजे की सभी शामिल होने की घोषणा की है। दोनों बाला साहिब के पूर्व सहायक थे, लेकिन मातोश्री में शिवसेना पार्टी में कार्यरत नहीं थे। ऐसा करके मुख्यमंत्री क्या हासिल करना चाहते थे? कुत्ते घुमाने वाले भी हैं, उन्हें भी अपनी पार्टी में जोड़ेंगे, ऐसा कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दिवंगत ठाकरे के साथ सहायक और सहायक के रूप में काम किया और अभी भी मातोश्री में है। राजे को खुद बाला साहिब ने हटा दिया था, लेकिन थापा बाला साहिब के निधन के बाद नेपाल रवाना हो गए थे। ऐसे और भी कई कर्मचारी हैं, रसोईया है, सफाई कर्मचारी है, डॉग वॉकर है और सुरक्षा गार्ड भी है। क्या मुख्यमंत्री का गुट उन सभी को एक एक करके पार्टी में बुलाएंगे? ये बड़ा सवाल किया गया। इससे मातोश्री का पतन नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें अपने कार्यालय या घर पर पार्टी में आमंत्रित कर सकते थे। नवरात्रि के जुलूसों के बीच में ऐसा करना उत्सव को कलंकित करता है। मुख्यमंत्री के पास डर स्तर की राजनीति करने के बजाय राज्य में निपटने के लिए अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से क्या जवाब दिया गया। देखिए, ठाणे के पूर्व मेयर और शिंदे समर्थक नरेश महस्के ने जवाबी टिप्पणियां की है। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने वाले चिंतामणि कौन है? उन्होंने ये बड़ा सवाल किया है। उन्होंने वार्ड स्तर का चुनाव भी नहीं जीता है और ठाणे के लोगों के बीच एक जाना माना चेहरा भी नहीं है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है शिंदे गुट की तरफ से। अगर उन्हें मातोश्री से इतना प्यार है तो इतने सालों में ये लोग कहाँ थे? तेंबी नाका समारोह की शुरुआत दिघे ने की थी और एक शिव सैनिक थे और उन्होंने उत्सव हमेशा शिवसेना के ही होते थे। अब वो हमारे हिंदुत्व आंदोलन का उत्सव है। वर्षों से आपको हम बता दें कि शिंदे ने समारोह को संभाला है और वो ऐसा करने वाले करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।